हेलो डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन लक्ष क्लासेस टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर कैन सी इन अदर वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वेरी शार्ट शार्ट एंड लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जुअलाजी फॉर द सेशन टू टू ट्वेंटी बी एस सी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन ए बेरी सार टाइप सेक्शन ए बेरी सार टाइप ऑफ क्वेश्चन सेक्शन ए के अंतर्गत बेरी सार टाइप ऑफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक क्वेश्चन तीन मार्क्स के होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है वो है फिफ्टी वर्ड्स सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट अंडर द हेडिंग ऑफ सेक्शन ए सेक्शन ए के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को दस प्रश्नों का उत्तर देना है प्रत्येक प्रश्न दो अंक के होते हैं और प्रत्येक प्रश्नों की की जो वर्ड लिमिट है वो फिफ्टी वर्ड है तो, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन हैं बहुत सारे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी सारे टाइप का हमने मैंशन किया है मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर हंड मोर देन नाइन्टी परसेंट आपको जो है एग्जाम में मिलेंगे फर्स्ट है सेल साइकिल फर्स्ट इज दस सेल साइकिल उसे कोसा चक्र कहते हैं सेकंड क्वेश्चन टाइप ऑफ डीएनए एंड आरएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए के प्रकार नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस क्वेश्चन नंबर फोर मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस क्वेश्चन नंबर फाइव कोडामिनस इसको कहते हैं सह प्रभाविता क्वेश्चन नंबर सिक्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्वेश्चन नंबर सेवन एलिल एलिल वर्सेस जीन जैसा कि आप जानते हैं एलिल इज द अल्टरनेटिव फार्म ऑफ जीन Sometimes they have present in the dominant minor and sometimes they have to be present in the recessive minor. आगे है माइक्रोफिलाट्स आबलिक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, फिलामेंट्स। एलियस के बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर है एग्जोसाइक्टोसिस नेक्स्ट है इंडोसाइटोसिस माइक्रोफिलामेंट्स आब्लिक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स अभी बात करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व न्यूक्लियोजूम न्यूक्लियोजूम न्यूक्लियो कॉन्सेप्ट केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस पेनेट्रेंस इपिस्टेसिस कैरियोटाइप ट्रिपेनोसोमा डिफाइन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिशन सेक्स लिंगड करेक्टर ऑब्लिक कलर ब्लाइंडनेस ऑब्लिकमोफीलिया नेक्स्ट है डिलीशन आब्लिक डुप्लीकेशन ए न्यू फ्लो डी ऑब्लिक यू फ्लोई डी जी आर डिया साइटो प्लाजमिक इनहेरिटेंस पाराक्सीम जीनोमिक इम्प्रिंटिंग दीज आर वेरियस, वेरी सार टाइप ऑफ क्वेश्चन्स फ्रॉम सेक्शन ए ये जितने भी अभी हमने डिस्कशन किया ये सब अति महत्वपूर्ण हैं जो वेरी सार टाइप में पूछे जा सकते हैं अब हम बात करेंगे सार टाइप की। अंडर द हेडिंग ऑफ सार टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर हम सारे टाइप के प्रश्नों की बात करें सेक्शन बी सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं प्रत्येक क्वेश्चन की वर्ड लिमिट है दो शून्य वर्ड प्रत्येक क्वेश्चन जो है फोर मार्क्स के होंगे प्रत्येक क्वेश्चन जो है इसमें से सिक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है देखिए अगर सिक्स मार्क्स के होंगे तो फोर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा और अगर फोर मार्क्स मार्क्स के होंगे तो सिक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा क्वेश्चन नंबर वन है लेकिन ये कन्फर्म है इट इज कन्फर्म दैट मोस्ट प्रोबेबली the questions which is given here they might become in your university examination बहुत important प्रश्नों का संग्रह है पूरे विश्वास है कि ज़्यादातर question यहीं से पूछे जाएंगे Describe question number वन है under the heading of सारे type of questions. Describe in detail about the chemical composition of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रासायनिक संगठन के बारे में विस्तृत व्याख्या कीजिए क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्राइब द फ्ल्यूड मोजैक ऑफ लिक सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा इन डिटेल डिस्क्राइब द फ्ल्यूड मोजैक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्ल्यूड मोजैक अथवा सैंडविच मॉडल की विस्तृत व्याख्या कीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट ए नोट ऑन सेल एडिशन मालिक्यूल इसको हम कैम भी कहते हैं सेल एडिशन मालिक्यूल पर टिप्पणी लिखिए नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सार्टिंग प्रोटीन टारगेटिंग अथवा प्रोटीन सार्टिंग पर टिप्पणी लिखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट इ डिटेल राइट इन डिटेल अबाउट द माइक्रोटिब्यूल ओब्लिक माइक्रोफिलाेंट्स माइक्रोटिब्यूल अथवा माइक्रोफिलाेंट्स पर टिप्पणी लिखी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस केंद्रक की संरचना और उसके कार्यों के बारे में विस्तृत व्याख्या कीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन राइट साइट नोट ऑन मल्टीपल एल्स मल्टीपल एल्स पर टिप्पणी लिखिए क्वेश्चन नंबर एट डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द माइटोटिक और मियाटिक सेल डिवीजन इन डिटेल डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द माइटोटिक और मियाटिक सेल डिवीजन इन डिटेल माइटाटिक यानी समसूत्री और मियाटिक यानी अर्धसूत्री समसूत्री अथवा अर्धसूत्री कोशा विभाजन की समसूत्री अथवा अर्धसूत्री कोषा विभाजन की विस्तृत व्याख्या का वर्णन कीजिए आगे है डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट इन डिटेल मेंडल के स्वतंत्र अपव्योहन नियम की विस्तृत व्याख्या कीजिए डिस्कस सेल सिग्नलिंग इन डिटेल सेल सिग्नलिंग की विस्तृत चर्चा करिए आलू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द जय स्टेट पथबी स्टेट पथबी की का विस्तृत वर्णन कीजिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोमा जी आर डी इन डिटेल। ट्रिपेनोसोमा अथवा जी आर डी के जीवन चक्र के बारे में विस्तृत व्याख्या कीजिए सेक्शन सी है लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें से केवल दो प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का प्रत्येक प्रश्न जो है टेन पॉइंट फाइव मार्क्स के हैं और प्रत्येक प्रश्न की जो वर्ड लिमिट है वो है फाइव हंड्रेड वर्ड्स सेक्शन बी की जो सारे टाइप है के क्वेश्चन हैं उनकी वर्ड लिमिट जो है वो टू हंड्रेड है प्रत्येक तो क्वेश्चन जो है वो चार नंबर के हैं छह प्रश्नों का उत्तर देना है सारे टाइप में लॉन्ग टाइप की वर्ड लिमिट फाइव हंड्रेड है दो प्रश्नों का उत्तर देना है प्रत्येक प्रश्न जो है टेन पॉइंट फाइव मार्क्स के हैं क्वेश्चन नंबर वन है लॉन्ग टाइप में डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द जीनिक आब्लिक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिटेल लिंग निर्धारण के संदर्भ में जीनिक अथवा गुणसूत्रीय सिद्धांतों का की विस्तृत व्याख्या कीजिए लिंग निर्धारण के संदर्भ में जीन अथवा गुणसूत्रीय सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या कीजिए क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चरल और नोमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रिएशन इन डिटेल संरचनात्मक और संख्यात्मक गुणसूत्रीय संरचनात्मक और संख्यात्मक जो क्रोमोसोमल एब्रिएशन होते हैं जो गुणसूत्रीय कमियां होती हैं उनकी विस्तृत व्याख्या कीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सेल जंक्शन कोसा सेल जंक्शन सेल माने कोसा जंक्शन माने जोड़ और सेलुलर जंक्शन सेल जंक्शन अथवा सेलुलर जंक्शन के बारे में विस्तृत व्याख्या कीजिए जंक्शन अथवा सेल्लोर जंक्शन के बारे में विस्तृत व्याख्या कीजिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द पिडिग्री एनालिसिस पिडिग्री एनालिसिस की विस्तृत व्याख्या कीजिए क्वेश्चन नंबर है सिक्स डिस्क्राइब इन डिटेल यक्ष लिंग्ड रेसेसिव आवली कैरियोटाइप्स इन डिटेल डिस्क्राइब इन डिटेल का मतलब होता है विस्तृत व्याख्या कीजिए यक्सलिंग्ड रेसेसिव डिस्क्राइब इन डिटेल यक्सलिंग्ड रेसेसिव यक्सलिंग्ड रेसेसिव की अथवा कैरियोटाइप्स की विस्तृत व्याख्या का वर्णन कीजिए रिसेसिव अथवा कैरियोटाइप्स की विस्तृत व्याख्या का वर्णन कीजिए और लास्ट में है क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी के बारे में इनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी के बारे में विस्तृत व्याख्या का वर्णन कीजिएज आर सेवन क्वेश्चन विच बी ऑफ़ लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन आई होप दैट मोर देन नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन में बी आस्ड फ्रॉम दिस मॉडल पेपर क्वेश्चन मॉडल पेपर फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जुलाजी पूर्ण विश्वास है कि इसमें से मोर देन नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन पूछी जाएंगी क्वेश्चन को पढ़िएगा तैयारी करिएगा आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ चैनल को लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा शेयर करिएगा थैंक्स ऑल ऑफ यू वॉचिंग वीडियो थैंक यू